हाय व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स ये देखिए हम ये जो स्कीवी बना रहे हैं इसका मैंने नीचे से ये पैटर्न जो था वो और सारा इसका जो हमने कटिंग की है इसकी मेज़रमेंट जो है वो मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था कि कितनी हमने कटिंग की है किस हिसाब से हमने इसके फंदे जो है वो नेक के रखे हैं शोल्डर के रखे हैं लेंथ कितनी है और इसका पैटर्न क्या है वो मैंने आपको बता दिया था आज हम इस पार्ट में जो है वो इसका ये देखिए इस तरह का जो बॉर्डर है वो देखेंगे तो बहुत ही सा बिल्कुल ये देखिए रेडीमेड लुक में इसका बॉर्डर बनकर आता है तो इसको आज हम बनाना सीखेंगे ये हम नेक पर भी बनाएंगे बहुत ही इजी है फ्रेंड कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में बहुत ही इजी ये बन जाएगा तो एक साइड का हमने शोल्डर बना लिया था तो दूसरी साइड का हम बनाएंगे और यहाँ पर भी हमने इसके फंदे उठा कर, ये देखिए इसकी ये तीन चार रो बना ली हैं चार रो ही इसकी और बनाएंगे टोटल आठ रो हम इसकी बनाएंगे बुनते हुए तो देखिए इसका बहुत ही इजी है इसको बनाना तो इसको हमने आ, वैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली जो हम फंदे जब नेक के उठाते हैं तो हम ऐसे सीधी साइड से अंदर की तरफ उठाते हैं तो ये जो रहता है ये जो इसके साइड का रहता है ये बाहर की आ, अंदर की तरफ आता है ये वाला जो पोर्शन है ये अंदर की तरफ आ जाता है जहाँ से ये हमारी किनारी जो होती है वो अंदर की तरफ रहती है तो इसमें हमने ये बाहर की तरफ निकाली है तो इसको हमने फंदों को उठाना है अंदर से बाहर की तरफ तो ये देखिए यहाँ से हम जहाँ से हमारा ये हमने जोड़ लगाया है मुड्ढे का वहाँ से इसके फंदे हमने उठाने स्टार्ट किए हैं तो देखिए इस तरह से हमने ये अंदर से बाहर की तरफ फंदों को उठाना है और इस तरह से ये चेन बन जाएगी ये देखिए ये जो चेन है साइड में रहती है ये देखिए ये इस तरह से बाहर की तरफ ये सारे जो हैं वो आ जाएगा एजेस जो रहते हैं जहाँ से हम फंदे घटाते बढ़ाते हैं वहां ये वाला एजिस बाहर की तरफ आ जाएगा तो आपने यहाँ से फंदे उठा लेने हैं तो आप इसको जैसे भी चाहें ये देखिये नीडल के साथ भी इजिली आप फंदे उठा सकते हैं तो ये इस तरह से ये इजली उठ जाते हैं फंदे ये देखिए इस तरह से आपने ये फंदे उठा लेने हैं एक एक करके जैसे हम नॉर्मली सभी फंदे गले के उठाते हैं वैसे ही आपने इन फंदों को उठा लेना है तो और अगर जो कोई भी अगर हमारा जो बिगनर्स हैं उनको नहीं उठाने आते तो आप इस तरह से क्रोशिया ले लीजिए और क्रोशिया हुक के साथ भी फंदे इस तरह से इजिली उठा सकते हैं ये देखिए ऐसे लेकर इसको नीडल पर ले जाइए ये देखिए तो बहुत ही इजी वे के साथ इस तरह से भी आप फंदे उठा सकते हैं तो देखिए इस तरह से आपने फंदे ये उठा लेने हैं तो यहाँ पर हमने जो टोटली फंदे उठाए हैं वो अप्रॉक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के बीच में उठाए हैं वन हंड्रेड सॉरी वन हंड्रेड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के बीच में उठाए हैं एक सौ बीस पच्चीस आपने फंदे उठा लेने हैं अपने गले के अकॉर्डिंग अगर आ, छोटा है तो आप हंड्रेड या वन हंड्रेड फाइव के बीच उठा सकते हैं और अगर बड़ा है आपके जो कटिंग की है आपने गले की बड़े गले की की है तो फिर इस तरह से उठा सकते हैं तो ये इतने सफिशियंट रहते हैं फंदे तो फिर आपने क्या करना है इस तरह से ये राउंड नीडल के साथ इसको बुनेंगे तो बहुत ही अच्छा सा ये बनकर आएगा तो जहाँ से आपने फंदे उठाना स्टार्ट किया था वहीं से बुनना स्टार्ट करेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ यानी कि सीधा सीधा बुनेंगे तो आपने इस तरह से सीधा सीधा इनको बनाना है सारे फंदे जो हैं ये ऐसे सीधे सीधे ही आपने बुनने हैं देखिए ऐसे इनको सीधा सीधा बुनेंगे तो अंदर की तरफ ये सीधे फंदे रहेंगे बाहर की तरफ उल्टे फंदे तो ऐसे ही हम चारों तरफ इसको सीधा सीधा राउंड बुनते हुए जाएंगे तो टोटल हम इसकी छ से सात रॉ जो है वो बना लेते हैं छे से सात रॉ इसकी सीधा सीधा बुनते हुए बना लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी एट रॉ बना ली है तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ रिजिज ये देखिए यहाँ पर ये बन चुकी हैं बाहर की तरफ ये सीधी तरफ इसकी ये उल्टा जो हम बोलते हैं जिसको उल्टी सिलाई है और अंदर की तरफ ये सीधे फंदे हैं ये अंदर की तरफ है अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था तो अब हमने क्या करना है इस तरह से इसको ले लेंगे अब इसको हमने बाइंड करना है तो बाइंड किस तरह से करेंगे तो देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही यूनिक सा वे है इसको बाइंड करने का तो इस तरह से इसको ले लेंगे अब हमने ये एक क्रोशिया हुक ले लेनी है कोई भी नंबर का आप क्रोशिया ले सकते हैं कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि इसी नंबर का आपने क्रोशिया हुक लेना है तो यहाँ पर मैंने पाँच नंबर का और थ्री एम एम का क्रोशिया हुक लिया है आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से इतना होगा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा मोटा होगा तो वो बीच में से निकालना ईजी नहीं रहता और बारीक भी जो है वो बीच में नहीं बनता ये इसमें तो अब हम क्या करेंगे अब हमने ये देखिए ये जो पहला फंदा है ये पहला फंदा हमारा जहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करते हैं ये राउंड जब कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ से फिर से हमारी जो है वो स्टार्ट होता है राउंड तो ये हमारा पहला फंदा है अब हमने क्या करना है ये धागे को पीछे ही रख लेना है तो ये देखिए ये इस तरह से ऊपर हमने बुना हुआ है तो धागा हमारा यहीं पर ज्वाइन है इसको कट वगैरह नहीं करना है ऐसे ही रहने देना है धागे को पीछे रख लेना है और ये जो सीधा फंदा है पहला फंदा है इसके नीचे ऐसे आएंगे और जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था ये देखिए ये वाला फंदा जो है ऐसे स्टार्ट किया था यहाँ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे तो दूसरी साइड में जाएगा और ये जो इसका ये देखिए ये जो हमने इसकी जो ये देखिए ये साइड में रहता है ये वाला जो इसकी जो जहां से हमने फंदे इसके उठाए हैं ये रिज जो रहती है ये अंदर की तरफ आ जाएगी तो इसको हमने ये धागे को ऐसे ले लेना है आ, ऐसे आ, ले लेना है और ये पहली बारी में थोड़ा सा रहता है बाकी फिर इजी हो जाता है स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा स्टार्ट करना रहता है ये देखिए इस तरह से धागे को हम ले लेंगे अब यहाँ से इस धागे को ऐसे हमने क्या करना है इसी के साथ हम ऐसे निकाल लेंगे निकालकर क्रोशिये को हमने ऐसे निकाल लिया उसके बाद इस फंदे को हम ऐसे ले लेंगे पहले फंदे को हमने लिया अब पहले फंदे के बीच में से हमने ऐसे धागा निकाला ये देखिए ऐसे धागा निकालकर और वापस से इस साइड में लेकर आई ये देखिए यहां से ले आए इसको अभी रखेंगे अब नेक्स्ट फंदा लेंगे और नेक्स्ट फंदे से फिर से हमने वैसे ही करना है यहां से हम क्रोशिया निकालेंगे और अब हम ये वाला नेक्स्ट फंदा लेंगे अब ऐसे इसके बीच में से ऐसे क्रोशिया निकाल देंगे और ये देखिए इस साइड में ले आएंगे अब हमने ये दो फंदे हो गए अब इसके बीच में से ऐसे इसको गुजारेंगे तो यहाँ पर हमारी ये चेन बन जाएगी ऐसे ही हमने नेक्स्ट करना है ये जो सीधा फंदा है नेक्स्ट हमारा इसके बीच में से जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था फंदे को उठाया था वहाँ से हमने ऐसे निकाल लेना है फिर ये फंदा लेना है फंदे के बीच में से इस धागे को ऐसे गुजारेंगे और फिर अंदर की साइड लेकर आएंगे और इसको चेन में से निकाल देंगे अब नेक्स्ट करेंगे वैसे ही तो ये सारा हमने ऐसे ही बना लेना है बहुत ही इजी वे है इसको बनाने का तो देखिए ऐसे निकाल लिया ये देखिए दूसरी साइड में भी देखिए आप इस तरह से ये इसको निकाल लेंगे इसके बीच में से ये फिर से आप देखिए एक बार ये हमारा जो फंदा है इसके नीचे से जहाँ से हमने इसको उठाया निकालेंगे फिर हमने ये जो है फंदा ले लेना है ऐसे क्रोशिया पर अब ये धागे को ऐसे इसके बीच में से निकालेंगे अब इसको अंदर की तरफ लेकर आएंगे फंदे को और इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे फिर से ये फंदा है यहां से निकालेंगे जहां से हमने इस फंदे को लिया था अब इस फंदे को उतार लेंगे क्रोशिया को इसके बीच में से ऐसे निकालेंगे ये देखिए इस तरह से ये चेन बनती जाएगी और बाहर की तरफ से ये देखिए ऐसे ये सिलता जाएगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से इसको हमने बनाया है बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये बनकर आता है ये देखिए और जो सीन रहती हैं जहां से हमने फंदे उठाए होते हैं वो किनारी रहती है वो भी इसी में ही अंदर की साइड आ जाएगी तो देखिए ऐसे निकालेंगे और अंदर से इस तरह से फिर बिल्कुल सामने की साइड से ही हमने उठाना है उसी में से निकालेंगे जहां से हमने ये देखिए फंदा उठाया था बिल्कुल वहां से ही क्रोशिया निकालना है फिर से नेक्स्ट वहीं से निकालेंगे देखिए इस तरह से ये हमारी जो एज रहती है ये भी इसी में ही जो है वो हो जाएगी फिर से देखिए यहां से निकाला नेक्स्ट हमने ये फंदा इस तरह से लिया धागे के बीच में से निकाल कर लाए और इसको ये देखिए अब इस तरह से ये बनेगी चेन अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरह से बनकर आएगा तो बहुत ही नीट सा ये बनता है फिर से एक बार देख लीजिए बहुत ही इजी है ये हमारा फंदा है जहाँ से हमने इसको उठाया था वहीं से क्रोशिया हुक निकालेंगे अब इस फंदे को उतार लेंगे और ऐसे लेकर इसके साथ धागे के साथ इसके बीच में से निकालते हुए लेकर आएंगे और इस तरह से ले लेंगे फिर से नेक्स्ट लेंगे और इस फंदे को ऐसे उतारेंगे धागे को ऐसे निकाल कर लेकर आएंगे फिर से ये देखिए इस तरह से ये सारा बंदा जाएगा तो ऐसे ही हम इस सारे गले को बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है बहुत ही प्रिटी सा आ, ये बना है देखिए बिल्कुल रेडीमेड लुक में आ, ये बनकर आया है बिल्कुल भी स्टिचिंग का इसका पता नहीं चल रहा अंदर की तरफ इस तरह से ये चेन बन जाएगी ये देखिए और बाहर की तरफ इस तरह से ये आएगा तो ये हमारा नेक बन गया है और शोल्डर भी हमने बना लिया था एक अब दूसरा शोल्डर किस तरह से स्टार्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ और कितने फंदे इसके लिए हमने रखने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो देखिए अब यहाँ से हम फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे तो फंदे हमने वैसे हम जो फंदे हैं वो ऐसे उठाते हैं अंदर से बाहर की तरफ सीधा रखते हैं अंदर की तरफ हम इसको उठाते हैं तो ये साइड का जो एज है ये अंदर की तरफ चला जाता है लेकिन इसमें हमने ये जो फंदे हैं ये बाहर की तरफ को उठाएंगे तो यहाँ से हम इसको उठाना स्टार्ट करेंगे तो ये एज जो है वो बाहर की तरफ हमारा आएगा तो यहाँ पर पहले हम हमारा जो धागा है इसको ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद ये फंदे उठाएंगे तो नॉट लगा लेते हैं यहाँ पर हम तो देखिए ये हमने नॉट लगा ली है यहाँ पर अब हम इसके फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे तो फिर से हम ये सर्कुलर नीडल लेंगे तो क्योंकि हमने सर्कुलर ही इसको बुनना है इसलिए इसी के साथ हम बनाएंगे तो देखिए आप ऐसे फंदे उठाते हुए जाएंगे तो आपने हर एक लूप में से एक एक फंदे को उठाते हुए जाना है ज्यादा गैप नहीं देना है तो यहाँ पर मैं अः अप्रोक्स नाइन्टी नब्बे फंदे जो हैं वो उठा लूंगी और गले के जो हैं वो हमने एक सौ पंद्रह फंदे जो हैं वो उठाए थे तो 115 फंदे उठाने के बाद हमारा नेक बहुत ही पिटीसा बनकर आया है तो आप अपने हिसाब से नेक अगर बड़ा हो तो थोड़े से एक दो तो पाँच दस फंदे इधर उधर हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं अगर छोटा है तो वो कम भी हो जाते हैं आ, बस ये है कि नेक आपके आना चाहिए ये नहीं है कि आपने बना लिया और नेक फंसे ही नहीं सिर पर तो आपने उसी हिसाब से इसके फंदे लेने हैं नॉर्मली जैसे हम फंदे लेते हैं उतने ही फंदे उठाने हैं राउंड नेक के भी नियर अबाउट उतने ही हो जाते हैं तो देखिए इस तरह से हमने इसको लेते हुए जाना है एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे यहाँ पर तो इजिली ये पिक हो जाते हैं तो इसका क्या रहता है ये जो साइड में आ, इसके आ, ये एज रहता है आ, ये देखिए ये वाला जो एज है ये जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये अंदर की तरफ ही इसके आ, जो है वो छिप जाएगा वो दिखाई नहीं देता दोनों तरफ से ही बहुत ही नीट एंड क्लीन ये बनता है बहुत ही प्रिटी सा लगता है जैसे आ, पाइपिंग हम निकालते हैं कपड़े पर बिल्कुल उसी तरह का ये पैटर्न बनकर आता है तो इसको मैं तो आपको कहूँगी कि आप एक बार इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे बनाकर तो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो जो व्यूवर्स हमारे डिफरेंट करते रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तो देखिए तो देखिए इसी तरह से हम ये सारे फंदे इसके उठा लेंगे यहाँ तक हमने ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ से हमने स्टिच किया था और ऊपर ये शोल्डर तक हम अप्रॉक्स फोर्टी फाइव पैंतालीस फंदे उठाएंगे और पैंतालीस फंदे ही इस साइड में उठाएंगे तो नाइन्टी नब्बे फंदे के करीब हम इसके फंदे उठाएंगे तो ये मैं उठा लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए हमने राउंड इसके नब्बे फंदे उठा लिए हैं यहाँ तक हमने सेंटर के फोर्टी फंदे उठाए थे फोर्टी फंदे ही आगे उठाए हैं तो टोटल ये नब्बे फंदे हो गए हैं अब हमने ये देखिए अंदर की साइड है और बाहर की तरफ ये किनारी जो है वो आ गई है अब यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको बुनना तो ये हम अंदर की साइड सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे और बाहर की साइड जो है ये उल्टा आएगा अंदर की साइड सीधा और बाहर की तरफ उल्टा आएगा तो ये हमने नेक की हमने एट राउंड बनाई थी तो जो शोल्डर है इसको थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे तो ये हम दस रॉ बनाएंगे इसकी तो देखिए ये हम पहली रॉ इसकी बना रहे हैं तो जो बाहर की तरफ रिज़िज़ हैं वो दस हो जाएंगी इसकी टोटल दस रॉ हम बना लेंगे इसकी तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे तो फिर एक रो हो गई फिर से बुनेंगे यहाँ तक दो रो फिर तीन रो फिर चार रो इसी तरह से हम इसकी टोटल दस रो जो हैं वो सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे, आगे आपको दिखाते हैं तो देखिए हमने इसकी दस रो बना ली है ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ इसकी टेन रिजिस काउंट कर लेते हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो दस रिजिज़ इसकी बना ली है यानी कि दस रो हमने इसकी बना ली है और फिर से इसको वैसे ही बाइंड ऑफ करेंगे जैसे हमने इसके नेक को किया था सेम वैसे ही करेंगे बहुत ही इजी है तो एक बार फिर से देख लीजिए आप किस तरह से करेंगे इस तरह से हम क्रोशिया हुक ले लेंगे और ये धागा जो है इसको हमने ज्वाइन ही रखना है जहाँ से हम बुनते आ रहे हैं उस धागे को अब हमने इसको इस तरह से ले लेना है और ये जो फंदा है नेक्स्ट फंदा जहाँ से हमने इस रॉक को स्टार्ट करते हैं उस फंदे से इसको देखिए इस तरह से इसके नीचे यहाँ पर लेकर आएंगे इस फंदे को देखेंगे तो जहाँ से इस फंदे को हमने पिक किया था उसी लूप में से इस जो क्रोशिया को हम इस तरह से निकालेंगे तो देखिए ये जो रिच है वो अंदर की तरफ आ जाएगा तो इसको हमने इस तरह से फंदे को ले लेना है अब ये वाला धागा इसके बीच में से ऐसे गुजारेंगे फंदे के बीच में से अब इधर दूसरी साइड लेकर आएंगे अब हमने नेक्स्ट फंदा देखना है नेक्स्ट फंदे को जहाँ से बनाया था वहीं से हमने पिक किया था वहीं से क्रोशिया निकालेंगे फिर इस फंदे को लेंगे और इस तरह से धागे को इसके बीच में से फंदे के निकालते हुए इधर लेकर आएंगे रॉन्ग साइड की तरफ और इस तरह से इसके बीच में से पीछे वाले फंदे को ऊपर से इसके ड्रॉप कर देंगे तो इस तरह से ये चेन बन जाएगी तो फिर से देखिए ऐसे ही अब आगे, आगे आगे बनाते हुए जाना है ये फंदा है जहाँ से इसको पिक किया था वहीं से उठाएंगे ये देखिए ये हमारी जो चेन है ये अंदर की तरफ आ जाएगी इसको हम ऐसे फंदे को लेंगे और इसके बीच में से इस धागे को निकाल कर लेकर आएंगे इस तरह से और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे तो फिर से ऐसे ही नेक्स्ट फंदा लेंगे और इसको ऐसे लेकर धागे को बीच में से निकालेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे अब नेक्स्ट लेंगे तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए बहुत ही इजी है ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे जो फंदे हैं वो बाइंड ऑफ कर देने हैं जहाँ से फंदा हमने पिक किया था वहीं से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और अब इसके बीच में से फंदे के निकाल कर धागे को इधर लेकर आएंगे और ऊपर से इसके पीछे का फंदा ड्रॉप कर देंगे फिर से नेक्स्ट लेंगे हम ऐसे और ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे ये देखिए एक बार आप ध्यान से देखिए जहाँ से हमने फंदा पिक किया था वहीं से लेंगे और इस फंदे के बीच में से धागा ऐसे निकाल कर इधर लेकर आएंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे फिर से नेक्स्ट हम लेंगे ये देखिए जहाँ से हमने ये फंदा पिक किया था इस साइड में देखिए इधर से और ये वाला फंदा लेंगे इसके बीच में से ऐसे धागा हम निकाल देंगे और इधर लेकर आएंगे पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो ऐसे ही हमने ये आ, सारे फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर लेने हैं ये देखिए इस तरह से ये आ, चेन बनती हुई जाएगी और सीधी तरफ से ये इस तरह से बनेगा ये लुक देखिए कितना प्रिटी सा आ रहा है तो ये मैं सारा बना लेती हूँ फिर लास्ट में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसको लास्ट के फंदे के साथ हमने यहाँ पर धागे को ज्वाइन करना है तो ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ अब देखिए यहाँ से ये लास्ट फंदा है इसको भी ऐसे ले लेंगे और इसके बीच में से निकालते हुए ये देखिए ध्यान से ये लास्ट वाला फंदा इस तरह से निकालते हुए इधर लेकर आएंगे और फिर से चेन बना लेंगे अब हमने क्या करना है ये देखिए ये बनकर कंप्लीट हो चुका है तो इसको हमने अब ये नेक्स्ट जो है इसमें ऐसे बनाएंगे हम थोड़ा सा इसको बाइंड करेंगे लास्ट वाले फंदे को अच्छे से ये देखिए फिर से इस तरह से हम इधर निकालेंगे और एक चेन और बना लेंगे तो देखिए आप अच्छे से इस तरफ से ये बाइंड हो चुका है अब हम एक चेन और बना लेंगे एक या दो चेन ही आपने और बनानी है और इसके बीच में से इस तरह से निकाल देंगे अब इसको हम जो फंदा है हमारा ये धागा इसको कट कर लेंगे ऐसे हमने इसको कट कर लेना है और अब इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे ये देखिए इस तरह से अब यहाँ से एक धागा उठाकर इस तरह से इसको अच्छे से एक कांठ लगा लेंगे इसकी ये देखिए ऐसे और अब हमने इसको क्या करना है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे धागे को इतना इतना सा काट लेंगे और अब हमने इस धागे को सिक्योर करना है तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ से इसके बीच में से निकालेंगे और ये देखिए ऐसे इस धागे को ऐसे लेकर इसके बीच में से इस तरह से सिक्योर कर देंगे तो देखिए हमारा धागा अच्छे से आ, इसमें सिक्योर हो गया है तो ये देखिए इस तरह से ये बनकर जो है वो शोल्डर हमारा रेडी हो गया है ये देखिए बहुत ही सा शोल्डर बना है तो हमारी जो स्कीवी है वो बनकर रेडी है विद हमने जो ये शोल्डर नेक और शोल्डर इसका बनाया है नए तरीके का इसके साथ तो इसका मैं आपको मेज़रमेंट जो है वो बता देती हूँ कि कितना इसका मेज़रमेंट फुल हुआ है रेडी होकर इसकी जो लेंथ है यहाँ से शोल्डर से मेज़र करेंगे तो ये टोटल जो है वो बाईस इंचिस लेंथ है वह आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर हम बॉर्डर के ऊपर इसकी लेंथ देखे देखें तो ये पंद्रह इंचिस तक इसकी लेंथ है और जो वर्थ है इसकी वो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे करें तो ये देखिए ये अप्रॉक्स उन्नीस इंचज़ हैं और इसको ये देखिए स्टिचेबल होकर ये अच्छे से 21 इंच तक जो है ये फिट हो जाएगी तो ये डबल से लेकर ट्रिपल एक्सल तक अच्छे से ये आ जाएगी तो देखिए बहुत ही प्रिटी सा ये हमारा जो है वो बनकर रेडी हो गई है स्कीवी तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं तो हमको ये अच्छा लगता है अगर आप इसे देखते हैं लाइक करते हैं वीडियोज़ को तो हमारा मन करता है कि हम और नए नए प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करें तो प्लीज़ हमें जो है आप सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहें तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले ऐसे ही नए से प्रोजेक्ट्स के साथ तो तब तक इसका जो है वो हम देख लेते हैं कि ये पहनकर किस तरह से लगता है